अगर आज वो जिंदा होती तो शायद फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब एक्ट्रेस होती, जिसकी खूबसूरती पर सारा जमाना फिदा था, जिसके कदमों के नीचे लोग फूलों की सेज बिछा देते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग इंतजार किया करते थे, जिसके आगे बड़े बड़े हीरो भी फेल हो जाते थे। महज 31 साल की उम्र में उस एक्ट्रेस ने अपनी जान गंवा दी। एयरक्राफ्ट क्रैश में मारी गई एक्ट्रेस सौंदर्या की लाश तक उनके घर वालों को नसीब नहीं हुई। जिस वक्त सौंदर्या की जान गई, उस वक्त उनके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था। आज अचानक सौंदर्या की बात इसलिए हुई क्योंकि उनकी मौत के 19 साल बाद उनकी ननद ने बड़ा खुलासा किया है। ननद ने पहली बार बताया है कि सौंदर्या ने आखिरी बार उनसे बात करके अपनी आखिरी इच्छा जताई थी। सौंदर्या वो एक्ट्रेस थी जिनकी साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में तूती बोलती थी। उस दौर के हर हीरो की सिर्फ एक ही इच्छा थी, सौंदर्या के साथ काम करना। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने उनके साथ काम किया। सौंदर्या डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन MBBS में दाखिला लेते ही उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे और फिर उन्होंने कन्नड़ फिल्म बा नाना प्रियाशु से एक्टिंग में डेब्यू किया। जिसने भी सौंदर्या को पहली बार पर्दे पर देखा वो अपना दिल हार गया। सौंदर्या के पास फिल्मों की लाइन लग गई। छोटे से करियर में सौंदर्या ने 9 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। साल 2003 में सौंदर्या ने एक इंजीनियर से शादी कर ली। शादी के एक साल बाद 2004 में सौंदर्या ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई। करीमनगर में होने वाली एक पॉलिटिकल रैली के लिए सौंदर्या अपने भाई अमरनाथ के साथ सुबह फ्लाइट से निकली। 17 अप्रैल साल 2004 को सौंदर्या ने बेंगलुरु के करीमनगर से जाने वाला 4-सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट कैसना 180 लिया। फ्लाइट ने सुबह 11:05 पर बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरी, लेकिन 100 फीट ऊपर जाते ही फ्लाइट ने आग पकड़ ली। पूरा विमान जल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। ये फ्लाइट बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में आ गिरी। कैंपस में एक्सपेरिमेंट कर रहे चंद लोग इस हादसे के गवाह बने और एयरक्राफ्ट में बैठे लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे, लेकिन प्लेन पूरी तरह से जल चुका था और उसमें बैठा हर पैसेंजर जला हुआ था। 4-सीटर एयरक्राफ्ट में सौंदर्या के अलावा उनके भाई अमरनाथ, हिंदू जागरण समिति के सेक्रेटरी रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप मौजूद थे। सौंदर्या की लाश तक घर वालों को नसीब नहीं हुई। सब कुछ पूरी तरह से जल चुका था। उस दिन सौंदर्या की मौत पर उनका हर चाहने वाला रोया था। आज सौंदर्या की ननद ने उनकी आखिरी इच्छा बताकर पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। प्लेन क्रैश से पहले जब सौंदर्या की अपनी सिस्टर इन लॉ से बात हुई, तब उन्होंने दो चीजों की इच्छा जताई थी, एक कॉटन की साड़ी पहनने और दूसरा कुमकुम लगाने की। इसे लगाकर वो अपनी रैलियों में जाना चाहती थी, लेकिन सौंदर्या की ये ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई। आज एक बार फिर सौंदर्या को याद कर उनके फैंस की आंखें नम हो गई हैं।